हेलो गाइस, वेलकम बैक विद एन अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की जो अपनी वीडियो है वो साउंड से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में ओनली साउंड का इशू सॉल्व होगा। काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट आ रहे हैं। एक तो जब मैंने ट्यूटोरियल बनाया था MFTS के इंस्टॉलेशन का, उसमें भी काफ़ी लोगों को ये इशू फेस करना पड़ा था कि साउंड नहीं उसमें आ रहा था। बट वैसे मोस्टली का तो नहीं हुआ था, बिकॉज वो मेरी वीडियो थी तो उसमें कोई ऐसा कोई सरकमस्टांसेस उसमें नहीं थे कि साउंड का इशू हो। बट कुछ लोग अदर साइट से या कोई एक्टिविटी डाउनलोड करते हैं तो उसमें ट्रैक साउंड नहीं होता है, या लोको साउंड नहीं है, या आइडल लोगों का आइडल साउंड नहीं है। तो मैंने बराबर, मेरे पास कमेंट आते रहते, तो मैंने कमेंट का आंसर रिप्लाई करा, उसमें इंस्टा पर भी रिप्लाई करा, तो कुछ को समझ में आ गया, कुछ व्यूवर्स को अभी भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तभी मैंने डिसाइड करा कि अभी इस वीडियो पे कोई अपनी वीडियो आनी चाहिए जो साउंड से रिलेटेड हो। यूट्यूब पे और किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया है, तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से इस वीडियो में आई होप के समझ में आएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर भी होंगे साउंड से रिलेटेड। अपनी इस वीडियो में आपको दोनों लोको साउंड, ट्रैक साउंड सब, मतलब पहले दिखाऊँगा भी कि किसमें नहीं बोल रहा है, फिर जब उसमें साउंड आएगा तो वो भी आपको सब एवरीथिंग सब कवर होगा। इसमें ट्रेन सिम से भी डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, अब हम ओपनडेल को अपने प्ले करते हैं। अब इसमें मैं आपको ये देख लिया, ट्रेन सिमुलेटर रूट कोई भी ले लेते हैं, वो तो किसी भी रूट में भी इशू, रूट का इशू क्या होगा, वो तो जो कोचेस हमारी एक्टिविटी जो होती है उसमें इशू होता है। मैं कोई भी एक्टिविटी ले लेता हूँ, एक्चुअली मैं वही एक्टिविटी ले रहा हूँ, वही कोचेस यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ये इशू है। बेसिकली कोई इशू हो ही नहीं सकता, मैंने तो ये जानबूझ के ही इसमें किया है जिससे कि आपको दिखा सकूँ। अभी इसमें कोई साउंड ट्रैक साउंड नहीं आएगा, प्ले होने दीजिए। एक्चुअली ये एक्टिविटी थी। अब इसमें आप देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा है, कोई ट्रैक साउंड नहीं है इसमें, यहाँ पे भी कोई साउंड नहीं आ रहा है। नो एनी साउंड। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमारा ट्रैक साउंड आए, यहीं पे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 प्रेस करते हैं तो माइनर सा साउंड आता है, वो डिफ़ॉल्ट साउंड होता है उसका, लेकिन ये काउंट ट्रैक साउंड में नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ होती है, उसका मज़ा ही अलग है। विदाउट ट्रैक साउंड तो वो बात आएगी ही नहीं। अब इसमें हमें नोट करना है एक्टिविटी, यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकोमोटिव और कन्फिफ्ट, हमें कन्फिफ्ट देखना है। अब कन्फिफ्ट का नाम है 12215DEE गरीबरथ PL, तो सेम ऐसे ही हमें वहाँ सर्च करना है। कहाँ पे वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ये नोट कर लेना हमें पहले माइंड में अपने, या कहीं पे भी आप नोट पैड में नोट कर लीजिएगा। अपने ट्रेन सिमुलेटर पे राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, देन ट्रेन्स फोल्डर ओपन, देन दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ट्रेन फिट एंड कन्फिस्ट, तो हमें क्लिक करना है कन्फिस्ट पे। अब यहाँ सर्च बॉक्स में हमें वही नेम सर्च करना है, क्या नेम था, 12215DEE गरीबरथ PL, ये आ रहा है ना वही। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस क्लिक कर देना है इस पर, इसको बड़ा कर लीजिए। अब ये पूरी इसकी SMS फाइल है, मतलब पूरी हमारी ये ट्रेन है इसमें। एक्चुअली ये बैक का है, मतलब ये एक SMS फाइल होती है जो सपोर्ट करती, विदाउट उसके हमारी ट्रेन वो शो ही नहीं होगी। तो ये एक इंटर्न पार्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ये वैगन डाटा MCW, अब ये इसका मतलब है कि ये हमारा डब्बा है, ये हमारे ट्रेन का बॉक्स डब्बा है मतलब, और उसका वो फोल्डर था। अब इसको हम लोग ट्रेन सेट पे क्लिक करेंगे, देन जो वो फोल्डर था MCW वो ढूंढेंगे यहाँ पे। अब ये आ गया ना MCW ICF कोचेस, अब इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कहीं पे भी साउंड का फोल्डर अवेलेबल नहीं है, तो यही रीज़न है कि साउंड हमारा
उसमें आ ही नहीं रहा, कोई वॉइस नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे साउंड की फाइल पेस्ट करनी है। अब वो साउंड की फाइल आपकी अपनी हो या आपकी ट्रेन सिम से डाउनलोड करी हुई हो या कहीं की भी हो, अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी ही साउंड फाइल उसमें पेस्ट करें। तो उसके लिए मैंने गूगल ड्राइव का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बिकॉज ऐसा होता रहता है कि ट्रेन सिम से मैं आपको कह देता तो डाउनलोड नहीं होती या कोई इशू आता या स्लो स्पीड, बहुत सारे इशू हैं। तो इसलिए मैंने कोई वो ऐसा ऑप्शन नहीं रखा, डायरेक्ट आप मेरे लिंक से डाउनलोड कीजिए गूगल ड्राइव के लिंक से, उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए या डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए ओपन इन एनी अदर ब्राउज़र, देन ये फोल्डर आप देख लीजिएगा LMFTF साउंड बाई AS, AS मीन्स आतिन सिद्दीकी। मेरा नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनर, ये फाइल का साइज, बस सिंपल। अब हमें यहाँ से अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। 74 MB की ये फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे साउंड्स हैं, यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं आप, सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं डाउनलोड नहीं करने वाला बिकॉज ये मेरी ही खुद की बनाई हुई है, सेल्फ मेड। अब डाउनलोड करने के बाद ये आपके डाउनलोड के कंप्रेस्ड फोल्डर में आएगा, मैंने इसको अलग फोल्डर में रखा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कहीं भी हो, बस ये फोल्डर आ गया LMFTF साउंड। अब ये मेरे में तो ओपन है, आपको यहाँ पे जिप पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, वो तो आपको पता ही होगा, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है, देन अब ये फोल्डर जब ओपन होगा तो एक बार हमें क्लिक करना है इस पर। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है एल्को साउंड, EOG साउंड, ICF साउंड, LHB साउंड, तो ये सब चारों साउंड मैंने इसीलिए सभी कवर करें, ICF बताता है, LHB का इशू होता तो मैंने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया। बस सिंपल हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ICF का था वो, सॉरी LHB था वो, तो इसलिए हम LHB वाला कॉपी करेंगे, देन वैसे ही वहीं पे हमें जाना है उसी डायरेक्टरी में TrainFit। अब वही फोल्डर, क्या था नाम फोल्डर का, MCWICF कोचेस। अब सिंपल हमें यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, बस हो गया सारा काम कंप्लीट साउंड का। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे वहाँ से उस टाइम प्ले करा था तो कोई साउंड नहीं था, अब देखिए, अब प्ले करते हैं, अब देखिए साउंड आता है कि नहीं। रिज्यूम, उसी से ही रिज्यूम पे, वहीं से ही प्ले होगा, कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। अब आ रहा है एंजॉय कीजिए। अब हम 5 प्रेस करेंगे या 3 प्रेस करेंगे, हमें ट्रैक साउंड भी साउंड कहीं हर पोजीशन पे। अब ये 3 प्रेस करा, अभी भी ट्रैक साउंड आ रहा है, साथ साथ आप ध्यान दीजिए EOG साउंड भी आ रहा है, उसमें जो मेरी साउंड की फाइल है उसमें आपको EOG साउंड मिलेगा। तो अगर आप टेंशन से नहीं होगा EOG साउंड, बट मेरी जो साउंड है उसमें आपको EOG साउंड मिलेगा, तभी मैंने सजेस्ट किया आपको गूगल मेरा खुद का साउंड सुन। ऐसा इंजॉय करते हैं, फोर्थ प्रेस करके बाहर आ गए हैं, अब देखिए अभी भी साउंड कहीं ऐसे ही होता है, कंटिन्यू आता ही जाएगा, कोई इशू आ गया फ्यूचर में नहीं आ रहा साउंड से रिलेटेड। अब हम क्विट कर देते हैं, ओपन फाइल लोकेशन, ट्रेन सेट, साउंड। तो ये है गाइस साउंड की फाइल, मैंने उस टाइम आपको नहीं दिखाई थी, पहले मैंने कहा आपको बता दूं कैसे होता है, ये SMS फाइल होती है गाइस। इसका मतलब वैसे ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बट ये इम्पोर्टेंट भी है,
विदाउट इस SMS फाइल के साउंड नहीं आएगा ट्रेन में हमारी, बिकॉज़ ये सपोर्टेबल फाइल होती हैं 3 SMS फाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रिकॉर्ड करा हुआ साउंड इसमें डाल दिया और SMS फाइल है नहीं, तो वो साउंड आपका नहीं बोलेगा। तो इसीलिए कुछ कुछ साउंड ट्रेन सिम पे ऐसे हैं जिसमें SMS फाइल है ही नहीं, तो कुछ यूज़र्स वो डाउनलोड कर लेते हैं तो उनको इशू आता है, फिर वो कहते हैं साउंड नहीं आ रहा है उसमें, तो कमेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको SMS फाइल के बारे में बता दिया। तो हमें उसमें कहीं नहीं जाना, हमें उस पर इग्नोर कर देना, मैंने आपको डायरेक्ट दे ही दी फाइल उसकी। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा कोचेस का इशू सॉल्व हो गया, अब कहीं पे ये होता है कि उसमें लोको में साउंड नहीं आता है, हॉर्न नहीं बोल रहा है, आइडियल साउंड नहीं आता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये हमारा झांसी सेट का WDM3 लोकोमोटिव है, उसमें प्ले करके देखते हैं कि हॉर्न बोल रहा है कि नहीं। वैसे तो नहीं बोल रहा है, कोई आइडियल साउंड भी नहीं आएगा। आपको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये शायद प्रेस ना किया हो बटन और बाद में प्रेस कर लूँ, ऐसा नहीं, आइडियल साउंड भी नहीं आएगा। आप देखिए मैं करीब में आ जाता हूँ लोगों के, देखिए कोई आइडियल साउंड नहीं है। मैं बी प्रेस कर रहा हूँ, स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई साउंड नहीं। अब हम क्विट करते हैं, क्विट करने के बाद अब प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा, बस हमें ये नोटिस करना है। अब उस टाइम कन्फ्यूज था, वैसे तो लोगों के बारे में पता है, आप कन्फ्यूज के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी फाइल है। बस सिंपल वही ट्रेंस, देन कन्फ्यूज, देन पेस्ट द नेम, सॉरी वो नेम आ गया ओल्ड वाला, वो ये था कन्फ्यूज। इस ट्रेन में ये पूरा कन्फ्यूज है। अब यहाँ पे देखिए इंजन डेटा, नीचे तो कोचेस हैं, SLR5 स्टार्टिंग है, यहाँ पे ये फोल्डर है इंजन डेटा। अब इसमें यहाँ पे लिखा है ये फोल्डर, आगे फोल्डर है, ये इंजन का नेम है। अब ये WDM3BHJHS, इसको हम कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, देन यहाँ पे पेस्ट। अब ये देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे आ गया हमारा। अब देखिए इसमें भी यहाँ पे कोई साउंड फाइल नहीं है, यही रीज़न था कि कोई साउंड उसमें आइडल साउंड कोई भी साउंड आ ही नहीं रहा था। अब हम अपनी वही उसी फाइल में चलते हैं जो मैंने आपसे अभी डाउनलोड करवाई थी। अब यहाँ पे देखिए यस लोको साउंड। अब सिंपल हमें इस साउंड फोल्डर को कॉपी कर लेना है, देन हमें उसी फोल्डर में जाना है जो अभी मैंने आपको बताया लोको वाला, और यहाँ पे हमें इस फोल्डर में पेस्ट कर देना है। तो फाइनली साउंड का इशू हमारा इस लोकोमोटिव का सॉल्व हो गया। बस मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, इसमें भी बहुत सारे साउंड्स हैं, उसको नहीं जाते, उसको स्किप कीजिए। अब डायरेक्ट प्ले करते हैं हम लोग, रिफ्रेश कर लूँ। तो वैसे ही सब कुछ है, बस स्टार्ट पे क्लिक कर देना है हमें। और वैसे तो जो मैंने साउंड की फाइल दी है उससे रिलेटेड अगर आपको वो पसंद नहीं आती, वैसे तो आएंगी, और भी आपको करना हो तो आप आगे बता रहे हैं। अब फाइनली ये था हमारा साइंस रिलेटेड ट्यूटोरियल।
बाकी आगे देखते हैं कुछ समझ के साथ। अभी यहाँ से मैं गेम को क्विट कर देता हूँ, आप इंजॉय कीजिएगा इस वीडियो के बाद। जिन जिनको भी साउंड का इशू होगा, जिनको नहीं है वो तो इंजॉय पहले से कर रहे हैं जो मेरी ट्यूटोरियल वीडियो थी। अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रेन सिम के थ्रू। अब अपना फायरफॉक्स या कोई भी ब्राउज़र खोल लेते हैं और यहाँ पे टाइप करना है वही अपनी पुरानी वेबसाइट, जिन्यू वेबसाइट trainsim.com, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। अब इसका क्या हो गया, थोड़ा सा टेक्स्चर्स पूरा लुक मतलब जो है डिफरेंट हो चुका है, तो कुछ कुछ को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। बट डोंट वरी गाइस, कन्फ्यूज़न नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, सेम वैसे ही सब कुछ है, बस थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है। हमें बस लॉगिन कर लेना है, देन हमें न्यू फाइल्स पे क्लिक करना है, फाइल लाइब्रेरी, देन न्यू फाइल। फाइल लाइब्रेरी पे करिए, देन बाय फाइल नेम। अब इसमें पहले ऐड नहीं आता था, अब यहाँ पे ऐसे क्लोज ऐड आने लगे हैं। अब यहाँ पे गाइस हमें नेम देना है, अगर हमें कोई जिप नेम पता है, जैसे होता है ना पहले फोल्डर में आपको बताया था जिप नेम, तो वो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज हम सिंपली यहाँ पे खाली बस ओनली साउंड लिख देंगे, देन सर्च कर लेंगे। तो हमें साउंड से रिलेटेड जितने भी होंगी फाइल्स वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं टोटल 366 फाइल्स हैं फाउंड हुई हैं इन रिजल्ट साउंड में। अब ये LHB साउंड वर्जन 1 है, इसका साइज ये है, डेट ये है, बाई आर्यन राज सिंह। तो ऐसे व्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं व्यू में ये होगा कि आप देख सकते हैं कि इसमें SMS फाइल दी है इन्होंने कि नहीं। अगर इसमें SMS फाइल दी है तो आप ऑफकोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इशू हो जाता है फिर उसमें, फिर साउंड नहीं बोलता है उसमें। तो यहाँ पे दी है, ये देखिए SMS फाइल, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम ये वाला साउंड को टेस्ट कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब ये टोटल पूरा इसका इंटरफेस, अब यहाँ से हमें सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जब ये डाउनलोड स्टार्टिंग हो गई है, मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ इसको। अब क्या होता है, कुछ को कन्फ्यूज़न हो जाता है, कुछ मतलब गलत तरीके से कर देते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया हमारे में ट्रैक फॉर्म बोल नहीं रहा है, तो हमने कहा ट्रेन सिम से, मैंने आपको बताया आपने ट्रैक लिख दिया, या ट्रैक नहीं, हमें जैसे EMD में साउंड नहीं बोल रहा किसी हमारे लोकोमोटिव में, WDM या MDM में, तो हमने EMD साउंड लिख दिया और वो क्या हुआ, यहाँ पे नो फाइल फाउंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम कमेंट करेंगे कि हमें सर ट्रेन सिम पे फाइल नहीं मिली। तो हमें इतना नहीं वो, हम जब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ सिंपल बस शॉर्ट में हमें साउंड लिख देना है, तो हमें EMD का भी साउंड मिल जाएगा, ट्रैक साउंड भी मिल जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है कि किसी ने फाइल नेम बनाया तो उसमें EMD यूज़ नहीं करा नेम, तो वो कीवर्ड सर्च कीवर्ड में नहीं शो होगा, तभी वो दिखाता है कि empty नो फाइल। अब यहाँ पे देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में इन्होंने EMD नाम यूज़ करा है, बट उसके जिप नेम जो फाइल नेम है उसमें यूज़ नहीं करा है, तभी ये इशू हो जाता है। तो फाइनली गाइस ये था हमारा ट्यूटोरियल वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।